ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सर, कोरोना काल में इतना भीड़ जुटा, लोग बहुत सारे, सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं थी। सबसे पहले तो आप ही तोड़ रहे हैं। आखर प्रहरी न्यूज की खबर का असर रोहतास में देखने को मिला है। शुक्रवार को आयोजित रालोसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित 119 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। आखर प्रहरी ने खबरों का सुर्खियों में चलाया था। रोहतास से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रालोसपा प्रमुख सहित 119 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि आखर प्रहरी ने जो खबर को सुर्खियों से चलाया था और उसकी खबर का असर देखने को मिला है। रालोसपा प्रमुख सहित 119 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। आपको बताते चले कि चुनावी आगाज के बाद राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए लगातार जा रहे हैं। रालोसपा पार्टी ने भी रोहतास के करहगर स्थित एक सभागार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया था। बैठक के दौरान रालोसपा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर कानून को तोड़ दिया था। इसी बाबत रोहतास प्रशासन ने कड़े रुख अपनाते हुए 119 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दिया है। आपको बताते चले, महामारी अधिनियम उल्लंघन करने के आरोप में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित 119 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। इस आशय की जानकारी थाना अध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल ने दी है। उन्होंने बताया कि विगत शुक्रवार को सेमरी रोड स्थित रवि टॉकीज में रालोसपा के करहगर विधानसभा स्तरीय बूथ व पंचायत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर उक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का वीडियो जारी किए जाने पर आरक्षी अधीक्षक द्वारा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित 19 आयोजनकर्ताओं को नामजद व 100 अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन के प्रशासन से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी व महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया था। आपको बताते चले कि ये खबर आखर प्रहरी ने सुर्खियों से चलाया था और इसी खबर का असर देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर चलने के बाद रोहतास प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर दी गई है।